बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू तबस्सुम किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा। ये हम रोल पट्टी से समोसे बनाएंगे। ये मेरे पास हैं तकरीबन 1.5 किलो आलू लिए हैं मैंने। आलूओं को अच्छी तरह छील के तो अब मैं इनको मैश कर लूँगी। बड़े बाउल में डालते हैं इनको, मैं मैश कर लूँगी इनको अच्छी तरह कांटे की मदद से। या इसको मैश करने के बाद इसमें मैंने अब मसाले ज़्यादा शामिल करूँगी। मसालों में मैंने जरा मिर्च ली है, नमक है, मिर्च है, अजवाइन है, थोड़ी सी अदरक है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया और पुदीना डाल के तो इनको मैं अच्छी तरह सबको मैश कर लूँगी और ये हमारे पास एक अच्छा सा आलू का मसाला तैयार हो जाएगा। जब ये आलू का मसाला तैयार हो जाए तो फिर मैं इसको समोसों के अंदर इनकी फिलिंग करूँगी। ये देखें, ये मैं इसमें ऐसे ही साफ मसाले जात शामिल करके तो इनको अच्छी तरह मैश करके तो ये एक अच्छी सी हमारे पास ये फिलिंग तैयार हो जाएगी। आटा लिया है और इसमें मैं पानी डाल के तो इसकी लई बना लूँगी जिससे हम समोसों को जोड़ेंगे। तो ऐसे घोल लें अच्छी तरह, पतला की एक लई टाइप की बन जाए ताकि हमारे समोसे जो है वो भिजे और खुले नहीं। ऐसे इसको बंद कर देंगे और इसके इसको उठाएं, आप इधर रखें, इसको पहले ऐसे फोल्ड करें, ये यहाँ से ये इसका कोना बन जाए, फिर इसको इधर को फोल्ड करना है। इसकी फिल्म को थोड़ा सा दबाएं और ये जो कोना बच जाए यहाँ पे, हमने ये जो लई तैयार की है वो हल्की सी लगानी है। ये नहीं कि ज़्यादा लगा देनी है, थोड़ी सी लगानी है कि बस हमारा जो ना वो गीला हो जाए। और जब हम इसको यूं करके इसको फिर ऐसे फोल्ड करना है तो ये हमारा प्यारा सा समोसा बन जाएगा। एक मैं आपको और बना के दिखाता हूँ आपको सिखाने के लिए। बस यहाँ से ये ऐसे रखें और ये इधर फिलिंग रखें। फिलिंग रखने के बाद यहाँ हम एक कोना बनाएंगे, यहाँ ये कोना बनना चाहिए इधर, फिर इसको उठा के फिर इधर को कोना बनना चाहिए। ये हमारे समोसे का कोना इधर को बनना चाहिए। अब ये जो कोना बच गया है यहाँ पे हमने ये फिलिंग लगाई है, ये जो लई बनाई है इसको लगानी है और फिलिंग अंदर तक रहे, फिलिंग बाहर ना आए। और ये कोना ये दोनों अच्छी तरह दब जाएं ऐसे। ये इसको इधर से दबा दें, इसको इधर से भी दबा दें। ये हमारा अच्छा सा ये समोसा जो है वो तैयार हो जाएगा। मैंने सारे जो समोसे हैं उनमें फिलिंग कर ली है, सारे समोसे भर लिए हैं। तो अब हम अफ्तारी से 10 मिनट पहले हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, ये हमारे जो समोसे हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। मीडियम आंच पे मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब दोनों तरफ से इसको फ्राई कर लें। जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएं तो इनको उतार लें। ये देखें, अब मेरे ये समोसे जो हैं वो दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं। बहुत ही प्यारा और सुनहरा कलर आया है। आप इनको उतार के तो बाकी जो बच गए हैं समोसे मैं उनको फ्राई करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पे भी मेरा पेज है, आप उसको भी लाइक करें और फॉलो करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, इसको ज़रूर आप लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।